हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर अस्सलाम वालेकुम मेरा मिश्रा, सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर दबा के शेयर करो जितना ज्यादा हो सके। तो भाई आज की वीडियो में हम पता क्या देखने वाले हैं कि विराट कोहली की बहुत बड़ी फैंस हैं भाई, पाकिस्तानी गर्ल्स। मैं खुद एक उनमें से हूँ जो कि विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन हूँ। सच में मुझे इतने ज्यादा पसंद है ना, मैं लोग उनके खिलाफ हजारों हो गए लेकिन मैंने कभी मतलब नहीं ऐसा बोला कि हाँ वो बुरा खेलेंगे, वो मुझे बहुत ही पसंद है वो। तो ऐसा करते हैं आज की इस वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी जो लड़कियां फैंस है ना विराट कोहली की, वो उनके बारे में क्या ख्यालात रखती हैं। प्लीज वीडियो के अंत तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। विराट कोहली इज ग्रेट पर्सन, मैंने बहुत देखा है उन्हें, बहुत फॉलो भी करती हूँ मैं। बस वो हैंडसम भी है और दिखने में भी अच्छा है और क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। बाबर आजम भी बहुत अच्छा प्लेयर भी है, ही इज आल्सो हैंडसम। पहले मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था मगर विराट कोहली के आगे तो कुछ नहीं। बिकॉज विराट कोहली इज माई फेवरेट प्लेयर, मैं स्पेशली उनके लिए यहाँ पर मैच देखने आई थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हिम। क्यूट है जरा विराट कोहली, इसलिए अच्छा लगता है। बाबर आजम और विराट कोहली, लोग हमेशा विराट कोहली को गर्ल्स लाई करेंगी। फिलहाल यहाँ पे योगदान वहाँ पे सबसे बांगड़ा रहे हैं। वो पाकिस्तानी लड़के देगा तो वैसे ही फिदा हो गई हैं। विराट कोहली भैया है, पंजाबी मुंडा है, दिल्ली का मुंडा वो कटिंग भी यहाँ पे बाबर आजम तो करवा नहीं सकता। विराट कोहली अच्छा खेलते हो, पाकिस्तान भी खेलने आओ, आप खुश हो गए पाकिस्तान आके खेल के, हम लोगों को पाकिस्तानी आप लोगों को प्यार देंगे। डिनर या लंच का मौका मिले आपको इंडिया के किस प्लेयर के साथ डिनर या लंच करें? विराट कोहली। इनको चाहिए विराट कोहली, ये डेट करेंगे विराट कोहली के साथ। इनके पास इतना पैसा है, ये तो डिजाइनर कपड़ों का पोछा बनाते होंगे। तुमको रजा मुराद भाव नहीं दी। अगर दोनों में से एक के साथ डेट करने का मौका मिले किसके साथ डेट करेंगे? विराट भी नहीं। विराट कोहली इतना ज्यादा हैंडसम क्यों है? ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा उनकी डाइट के बारे में, और फिर उनसे प्ले जो मेथड है वो पूछना पड़ेगा कि किस तरह जो है वो इतना अच्छे भी लगते हैं और साथ खेलते भी बहुत अच्छे हैं। गुड मैन है, गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम है, सबको ही लगते हैं और मुझे भी लगते हैं अच्छे हैं। विराट ऑब्वियसली। औकात में रहो बेटा, जो तुम्हारे मुल्क के हालात है ना और तुम्हारी औकात है उसके अकॉर्डिंग सपने देखा करो। सुनते जाइए, ये हजार बंदा किना राशन के लिए खड़ा होता है लाइनों में तो पांच बंदों को ये राशन मिलता है। महंगाई मुकाओ मार्च कर किरदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी परफॉर्मेंस ये है तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी अवाम को रिलीफ देना था ही नहीं। सुनकर अच्छा लगा। गरीबों को तो सड़क पर लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। सबसे बेस्ट बैट्समैन मेरा ख्याल से तो अभी भी वही है विराट, और आज का पूरा मैच मुझे लगता है बनाने में विराट कोहली का बहुत हाथ है। रन्स कोई छोटी चीज नहीं है, वो भी T20 वर्ल्ड कप में सुपरस्टार रन्स बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से अगले 20-25 साल कम ही कोई इसको इसके करीब पहुंचेगा जैसे तेरी शक्ल से है। बिग विराट कोहली फैन, वी ऑल लव हिम। तो बाबर आजम को कोई मैसेज? हाँ, उनको अपनी डाइट बेटर करनी चाहिए ताकि जो उनका पेट निकला हो थोड़ा अंदर चला जाए। सबसे पहले तो आप सबको और हमारी पूरी टीम को, हमारे पूरे देश को बहुत बहुत बधाइयां हो, हम वर्ल्ड कप जीत गए यार। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये खुशी से मैं ना पागल हो गई हूँ। अच्छा, खुशी के मारे उड़ रही हूँ। अरे वाह। लेकिन वही थोड़ी दुखदायी खबर ये रही कि जो हमारे किंग है विराट कोहली, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट ले लिया। वैसे तो रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने भी लिया है, लेकिन आप सब तो जानते ही है ये पाकिस्तानी लड़की क्या विराट कोहली पर कितना मरती है यार, मतलब हद हो गई। अनुष्का भाभी है विराट कोहली के पास, तुम अपने काम से काम रखो, तुम डिजर्व भी करती हो विराट कोहली को, विराट कोहली की नौकरानी बनने लायक नहीं हो तुम। शक्लें देखी अपनी? विराट में ऐसी क्या चीज जो बाबर में नहीं है? ही इज सेक्सी। विराट कोहली ऐसा कमबैक मैं कहती हूँ, लगता ही नहीं कि उसकी रिटायरमेंट करीब है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब नया नया जोश जज्बा है और वो सारा जोश जज्बा दिखा दिया। पहला सवाल क्या आपके जहन में आ रहा है कि आप उनसे पूछेंगे क्या आप इतने प्यारे? विराट कोहली की पर्सनैलिटी और लुक्स के बारे में क्या कहोगी?
अच्छी लुक्स है, अच्छी पर्सनैलिटी। अनुष्का शर्मा ने कुछ देखा तो शादी किया ना, एमए तो नहीं ना बच्चा फसा दिया। हाय कितना हसीन लड़का है कसम से, यही सोचूंगी क्या ये वाकई में विराट कोहली है, ये मेरे सामने बैठा हुआ है, इसकी लाइव देख रही हूँ मैं यार, इसके साथ मैं डिनर पर आई हुई हूँ, यही सोच सोच के मैंने बस पागल हो जाना है। कोहली है तो यार बस उनकी तो फेस, उनका स्माइल और उनके जो एटीट्यूड है क्रिकेट के मैदान में, वही देखिए तो विराट के साथ लंच पे जाओगी, कॉफी पे जाओगी या डिनर पे जाओगी? यार कुछ करना तो बड़ा करो, डिनर पे जाएंगे। यानी खर्चा करोगी या कराओगी? नहीं करवाऊंगी। अच्छा तो इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे? आई लव यू सो मच, मुझे बुला रहे हैं, मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर दूंगी, बहुत प्यारी है देख ले। वैसे विराट कोहली एज अ प्लेयर आपको कैसे लगते हैं? अच्छा वर्ल्ड कप में ना वो इतने आउट ऑफ, मतलब आउट ऑफ फॉर्म थे वो, तो काफी लोग ये कह रहे थे कि अभी उनके फाइनल परफॉर्मेंस बाकी है, वो आज पता लगा वाकई उनके फाइनल परफॉर्मेंस बाकी थी, तो एज अ प्लेयर आपको कैसे लगते हैं वो? गुड मैन है, गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम है, सबको ही लगते हैं और मुझे भी लगते हैं अच्छे हैं, लगते हैं गुड लुकिंग, जाहिर है स्पोर्ट्स में है तो फिर तो अच्छे लगेंगे ही। जी खेलता उनका प्रेशर कितना होता है सामने वाले? सामने वाले बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कब कौन सी बॉलिंग करा दे, कब कौन सी बैटिंग कर दे, उनका कोई पता नहीं होता। आज इंडिया का स्कोर हैवी करने में विराट कोहली का हाथ था आपको लगता है? हाँ जी बिल्कुल लगता है, जाहिर है इतनी एफर्ट कर रहा है, इतनी मेहनत की है तो उसका तो हाथ सही बात है, टीम को खिलाने के लिए। विराट है ना उनको तो लेवल ही लग गया, कौन नहीं उनसे डेट करना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है मैं बाबर आजम को थोड़ा सा साइड पे करके विराट को सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी फिजिक है ना और उनकी फिजिकल हेल्थ है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे भी थोड़ी सी गाइड दें विराट कोहली कि आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं ताकि मेरे भी आप थोड़े से एब्स नजर आए। कहाँ विराट कोहली और कहाँ बाबर आजम, क्लास चेक करें आप कि क्लास का कितना फर्क है, कहाँ पेंडा बाबर, बाबर आजम या विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली क्यों? यार वो तो लाखों दिलों की जान है वो तो, और वो इतना अच्छा है यार, बहुत अच्छा नाइस पर्सन है, और यार इतना डैशिंग है वो, क्यों नहीं कोई उसके साथ डेट पर जाना चाहेगा, सारे उसी के साथ जाना चाहेंगे। बाबर आजम क्यों नहीं आपका एक तरह से क्रश बना अभी तक? नहीं नहीं बाबर आजम नहीं, वो उनसे ना थोड़ी भाइयों वाली फीलिंग मतलब आती है ना बाबर आजम से। हाँ ना वो ऐसे बड़े भैया और भाई अच्छे हैं, वो भी पसंद है, लेकिन उसे फीलिंग वो वाली आती है, अब क्या कर सकते हैं। और विराट कोहली साहब क्या कहते हैं, वो मेरी जान है और सब कुछ है, और दूसरों की जान आपने नहीं बनना, आप सिर्फ मेरी जान है, ये उनकी बैटिंग, उनका स्टाइल, हर एक चीज सुनिए, उनकी आप स्टाइलिंग देख लें, उनका लाइफ स्टाइल देख लें भाई, उनको फॉलो करते हैं लोग, अगर मैं उनको बताऊं यहाँ पाकिस्तान में उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं कि विराट कोहली ऐसा करता है, उसकी ड्रेसिंग ऐसी है। अच्छा कह रही है मुझे इंडिया पता नहीं क्यों पसंद है, ये आपको भी नहीं पता। अच्छा चलो अगर डिनर या लंच का मौका मिले आपको, इंडिया के किस प्लेयर के साथ डिनर या लंच करेंगे? विराट कोहली। अच्छा पहला सवाल क्या आपके जहन में आ रहा है कि आप उनसे पूछेंगे? क्या इतने प्यारे कहते हैं, आप क्या कहेंगे? सोचे सीन क्रिएट करते हैं आपके सामने विराट और डिनर या लंच का मौका मिल गया आपको, कुरान दाजी में आपका नाम निकला है। अरे नहीं सोचवाए भी ना मुझे ऐसे। सोच रही होगी हम इसको उठा देंगे फौरन, उठ जाओ ख्वाब से, जो ख्वाब ही लग रहा है। पाकिस्तानी टीम के तो वैसे ही प्लेयर्स बहुत अनफिट है, किसी का टेढ़ा निकला, टेढ़ा निकले ना जी, बंदा पर भी इंडिया वालों भी सकते क्या करे, आजम खान और क्या बंदा, वो सिर्फ वहाँ खाने जा सकता है। विराट ऑब्वियसली सबसे बेस्ट बैट्समैन मेरा ख्याल से तो अभी भी वही है विराट, और आज का पूरा मैच मुझे लगता है बनाने में विराट कोहली का बहुत हाथ है। कोई छोटी चीज नहीं है, वो भी T20 वर्ल्ड कप में खड़े रहना, साउथ अफ्रीका भी कम्पेटिटिव थी काफी ज्यादा, तो दे डिजर्व दिस विक्ट्री। अब आपको देख रहे हैं प्यारी प्यारी लड़कियाँ क्या कहेंगी, Congratulations and you guys deserve this one. आप क्या कहेंगे 17 साल बाद वर्ल्ड कप इंडिया में आ गया है? For sure they deserved it, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो जो जितना डिजर्व करता है उसको इतना मिलता भी है, और इंडिया डिजर्व कर रहा था काफी टाइम से। मैम 2023 की बात करें 10 मैच जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन इंडिया का दिन नहीं था, वो फाइनल नहीं थे, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अपनी जबरदस्त कैप्टनशिप थी उसकी, बिल्कुल प्लानिंग थी बहुत ज्यादा, और हो सकता है कि वो रिटायरमेंट भी दे दे इस वर्ल्ड कप के बाद। आई होप कि हमारे जो मुल्क के प्लेयर्स हैं वो भी थोड़ा सा उनसे थोड़ी सी इंडिया से सीख ले। बिल्कुल विराट कोहली जो खेल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ क्या कहेंगे?
कहना क्या है, बोलती बंद कराती है, मुंह पे जिप लग गया, लाइक दिल ही नहीं कर रहा कि अपनी बोलती अब जो है अब हम दोबारा से ऑन करें। लेकिन द थिंग इसके बहुत अच्छा खेला है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट थिंग, बट इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो एक्सेसिव अच्छा खेला है कि इतना अच्छा, लाइक ओ माई गॉड, लाइक ऐसा कम बैक मैं कहती हूँ लगता ही नहीं कि उसके रिटायरमेंट करीब है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब नया नया जोश जज्बा है और वो सारा जोश जज्बा दिखा दिया, जब भी उसको देखते हैं एक अच्छा इंप्रेशन आता है, वो हमेशा ऐसा ही लगता है कि यार ये बस मजीद 50 साल और ये चलने वाला है, लाइक इतना अच्छा वो खेलता है, लाइक मैं तो उसकी पहले से ही फैन थी, अब और बड़ी बड़ी फैन हो गई। तो ये था आज का वीडियो और देखा कैसे पाकिस्तानी लड़कियां पगला गई है यार। ये थी आज की वीडियो, तो भाई वाकई में विराट कोहली के अम्मी आपको कैसे वैसे लगते हैं? मुझे मैं बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे तो, मैं तो मतलब पूरी अगर इंडियन टीम को देखा जाए तो मुझे तो सबसे ज्यादा, कल मतलब परसों रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो लोग बहुत ज्यादा रोहित शर्मा को मतलब मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ उनको, उनकी कैप्टेंसी, उनकी हर चीज को मतलब, लेकिन फेवरेट हमेशा से विराट कोहली है, उनकी जगह कभी नहीं कोई ले सकता, क्योंकि वो अम्मी इतना अच्छा खेलते हैं, उनका एग्रेशन जो है ना, लोग उसके इतना ज्यादा फैंस हैं, आप पाकिस्तान की मतलब पूरी की पूरी वाम में से हमारी गली में से किसी को जाके पूछ लो ना, आपको 10 से 12 लोग आपको उसके फैन ही नजर आएंगे, क्योंकि विराट कोहली को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और पाकिस्तानी लड़कियां खासतौर पर भाई विराट कोहली की बहुत बड़ी फैंस हैं, लड़के भी बहुत बड़े फैंस हैं उनके, और सच में उनकी परफॉर्मेंस की बिना पर ही मतलब ऐसे ही तो नहीं कोई किसी का फैन बन जाता, लुक्स की वजह से कोई फैन नहीं बनता जब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जब आप अच्छा आपने एक परफॉर्मेंस दी हो काफी अरसे तक, इतने छक्के मारे हों, इतना आपका अग्रेशन लोगों ने देखा हो, तो लोग आपके फैन ऑटोमेटिकली, नहीं आपको पता कि हमारे जब बब्बू होते थे तो ये विराट कोहली मतलब है ना कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन करते थे कि अगले बंदे को गुस्सा आ जाता था, मतलब ये बहुत ज्यादा ना इनको पिच पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता था विराट कोहली को, लेकिन जब से इनकी शादी हुई है ना ये बोलते हैं कि मेरी वाइफ ने मेरा गुस्से पे कंट्रोल करना मुझे सिखाया है, कि मैं अपने गुस्से पे इन्होंने, लेकिन लोग इनके गुस्से के ही फैन है, लोग कहते हैं कि यार ये बूढ़ा जब गुस्से में आता है ना ये जो एक्शन करता है, तो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और इस वजह से इनके अम्मी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं, 300 मिलियन, मतलब के बहुत ज्यादा इनके फैन, मतलब अगर देखा जाए ना तो फॉलोवर्स बहुत ही ज्यादा है, किसी भी सेलिब्रिटी किसी भी हर बंदे से ज्यादा है, किसी अंग्रेज से ज्यादा इनके फॉलोवर्स हैं, क्योंकि लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। लेकिन अगर बात की जाए कल के मैच की, तो सच में इनका जो स्कोर था ना वो इंडिया को जितवाने में बहुत बड़ा, क्योंकि आधा स्कोर तो तकरीबन विराट कोहली का था और आधा पूरी टीम का था, और लोग कुछ बोलते हैं कि भाई बड़ा स्लो खेले, लेकिन अपना स्कोर उन्होंने एक किया और इंडिया को इस काबिल उनको स्कोर दिया कि वो जीत सके। फर्ज करें 150 तक स्कोर होता तो साउथ अफ्रीका ने तो हमें ऐसे स्कोर कर लेना था 150, लेकिन भाई उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करके इंडिया को जितवाया है, तो सच में मजा आ गया। विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है, विराट कोहली के लिए एक लाइन भी बोले, क्या बोले, विराट कोहली, तो वही बहुत अच्छा लगा इनको देखकर, बड़ा मजा आता है रिटायरमेंट का सुनकर, हुआ है बहुत गुस्सा हुआ भाई, मतलब रिटायरमेंट खेलते तो खेलते, लेकिन भाई रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आईपीएल में और दूसरे मैचेस में ये दिखा करेंगे, T20 से शायद उन्होंने ली है रिटायरमेंट की। तो ऐसा करते हैं वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, वीडियो कैसे लगी बताना, फिर मिलते हैं कौन वीडियो में।